हैदराबाद के गुड्डी मलिकापुर में हरित हारम अभियान के तहत पौधे रोपण किए गए, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी सीएम और कार्यक्रम इंचार्ज टी जीवन सिंह के अलावा कई जाने माने लोगों ने पौधा रोपण किया। ये कार्यक्रम जय हिंद मैदान में आयोजित किया गया। हरित हारम का लक्ष्य तेलंगाना को एक ग्रीन सिटी बनाना है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने सभी मीडिया के लोगों के साथ पौधे लगाया और इसको सफल बनाने के लिए लोगों को आगे आने की अपील की। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में हरित हारम की शुरुआत शुक्रवार 3 जुलाई 2015 को की थी। वर्तमान समय में राज्य का सिर्फ 24% भाग पेड़ों से ढका हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य राज्य में 24% पेड़ों से ढकी भूमि को 33% तक बढ़ाने का है। पहले उद्देश्य के लिए वनों को पुनः हरा भरा करना और गैर कानूनी व्यापार रोकना और वनों की रक्षा करना, वनों को आग से बचाना और मिट्टी और नमी का गहन संरक्षण किया जाए। दूसरे उद्देश्य के लिए सड़क के किनारे, नदी और झील के किनारों पर, बंजर पहाड़ियों पर, भवनों के आसपास, पार्क आदि में पेड़ लगाने का कार्य किया जाए। इस प्रकार वातावरण के संतुलन और सब जीवों के लिए उचित पर्यावरण बनाए रखने के लिए इस योजना को अपनाया गया है। अंदर जो ओपन स्पेस है वहाँ पर झाड़ लगाने आए हो। आज हमारे कारपोरेटर साहब बंगारू प्रकाश साहब है, दोनों हमारे इतफाक से ये बाढ़ रही है और दोनों हमारे इंचार्जेस नामपाली इंचार्ज हनुमंतराव साहब और कारवा इंचार्ज हमारे जीवन सिंह साहब और हमारे बहुत से टीआरएस के कायदीन यहाँ मौजूद है और सब मिलकर दरख्त लगा रहे। दरख्त का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हम बचपन में देखते थे एक एक हफ्ता पानी होती थी और कारतियों का नाम बोला जाता था बड़े लोग। आज बारिश कम हो रही, अगर हैदराबाद में होती तो सिकंदराबाद में नहीं होती और शहर का एटमॉस्फेयर में माहौल अच्छा होने के लिए जितनी ग्रीनरी लगाएंगे उतना मतलब फ्रेश एयर मिलेगी। मैं तमाम भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी जगह आपके घर के सहन में हो या आजू बाजू जहाँ भी जगह मिली आप ज़रूर दरख्त लगाइए। दरख्त लगाइए मत, उसके बाद भी उसे पानी दीजिए। बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे जितनी ग्रीनरी लगाएंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा, हमारी सिटी के लिए। चूँकि सिटी में कंक्रीट बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हमारे झाड़ों की बहुत ज़रूरत है। पूरे तेलंगाना में हमारे सीएम साहब ने 40 करोड़ का टारगेट दिया है और टारगेट पूरा करना हमारे आवाम का फर्ज है। हम सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साहब अब तक कहाँ पर लगाए, कहाँ कहाँ पर लगाए, कौन से एरिया में लगा था? बहुत पूरा तेलंगाना रहा है। देखिए मैं अंबरपेट, मलकपेट, नामपल्ली, यहाँ कारवान में आया हूँ, मुझसे रोज़ एक एक दिन एक एक जगह जाते जा रहा हूँ। हमारे पूरे 3 लीडर्स हैं सारे तेलंगाना में एक साथ काम कर रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे सीएम साहब ने जो प्रोग्राम दिया उसे हम तमाम मिलकर सक्सेस करेंगे। ये हमारा फ्यूचर है। झाड़ों को निगेदाश सही तरह पे करें तो बहुत ही साफ दिखता है। उनका भी ऐलान किया जा रहा है जी। हाँ बिल्कुल जी, जो जहाँ पर जितने अच्छे झाड़ लगाएंगे, जो परसेंट में झाड़ बर्फ बड़े होंगे, उन लोगों को सीएम साहब ने इनाम देने का भी मतलब एक अवार्ड देने का, और कुछ हुआ तो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कुदरती माहौल लाते हैं। झाड़ एक ऐसी चीज़ होती है, ग्रीनरी कलर ऐसा होता है आपकी आंखों के लिए ठंडक होता है, और झाड़ों के पास जिस घर में झाड़ लेते हैं वहाँ सेहत भी अच्छी होती है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं मीडिया भाइयों से गुजारिश करता हूँ। हमारे संवाददाता मोहम्मद हमीद की रिपोर्ट।